ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत। विचार शांत, चारों ओर शांति का वातावरण। दो भिन्न तत्व सदाकाल से भिन्न हैं, परंतु हमें अज्ञान और मोह के कारण एक माना, जीव को महत्व नहीं दिया गया, इस देह को महत्व दिया। इस कारण हमारी यात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई, अनंत अनंत जन्म कर लिए, ते धारण कर लिए। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने जन्म और मरण ना किया। सातों नरकों में भी अनंत बार जाया है, छह काया में भी जन्म मरण कर लिया, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, मनुष्य बने पशु पक्षी बने, देवगति में भी गए, परंतु अंत नहीं हुआ। अब ये भेद आपकी यात्रा को समाप्त करने का सर्वोच्च साधन है। ये साधना अरिहंतों की, सिद्ध बनने की है, केवली होने की। पंचम काल में आपको ये साधना मिली, हमें मिली। ये आपका हमारा परम सौभाग्य, इसको साधारण मत जान लेना। बहुत उत्तम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अवर्णनीय साधना है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जानने में लगता है आत्मा शब्द नहीं है, बस एक ही कार्य करना है आपने, भेद बनाए रखना है। देह में जीव, आकार में निराकार, जड़ में जीव, विनाशी में अविनाशी, असत्य में सत्य, आत्मा जो दिखाई नहीं देती इस आकार में, निराकार आत्मा जो दिखाई नहीं देती पर अनुभव किया जा सकता है। सिर के सिरे से पाम की अंगूठे तक निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्लिप्त आत्मा, आत्मा देह में है पर देह से सर्वथा भिन्न है, शरीर के गुणधर्म अलग हैं। ये शरीर में हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, वीर्य है, अशुचि भरा देह, नौ द्वारों में अशुचि भरी। इसको देह को अपना माना और जन्म मरण बढ़ा दिए, बस इस सत्य को अनुभव कीजिए।
मैं आत्मा, मन से पार, बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, देह नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अशुचि भरे देह में शुद्ध आत्मा, निर्लिप्त आत्मा, जैसे कमल कीचड़ में है पर ऊपर है। पानी की बूंद भी कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं करती। ऐसे देह में आत्म तत्व है, शुद्ध है, निर्लिप्त है। उसको अपने अनुभव से जान सकते हैं। कब? जब मन के पार जाओगे, बुद्धि के पार जाओगे, इंद्रियों के पार जाओगे, डूब जाए अपने भीतर गहरे गहरे। शांत मौन शून्य में चले जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व नहीं देंगे। अपने में स्थिर रहेंगे। अपने में स्थित हो जाएं। जीव को जीव में स्थित करना है। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, निराकार, उसमें स्थित हो जाए। किसी विचार संस्कार को महत्व ना दे। अपने भीतर मंगल का भाव लें। शांत
सुख छाए इस जगत दुखिया रही ना को, सुख छाए इस जगत दुखिया रही ना को, शोध धाराम सबको मिले, सबका मंगल हो, सत्य धाराम सबको मिले, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी ने एक लंबा गहरा सांस ले अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करी। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं। सब में जीव आत्मा है। देखो छह काय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में जीव है, उसका अनुभव करे। दो तत्व जुदा जुदा है, पर आज तक हमने मिथ्यात्व और मोह के कारण एक माना और इस कारण चार गति का भ्रमण हो रहा है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्रोध मान माया लोभ ना करो, ये ठीक नहीं करना चाहिए। पर जड़ क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? किसी देह को अपना माना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मैं आत्मा था, हूँ, रहूँगा, बस देह को जिस गति जिस योनि में गए उसको अपना माना, और उसके साथ साथ फिर सारा जो संबंध बना लिया, मेरा परिवार, मेरा शिष्य, मेरे माता पिता, जो जो संबंध बनाया है मेरा मेरा, ये मिथ्यात्व और मोह के कारण हम सभी चार गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। चाहे हमने पहले महाव्रत भी ले लिए, परंतु ये मिथ्यात्व और मोह नहीं टूटा। इस साधना से आपका मिथ्यात्व और मोह टूटेगा और आत्मा पर, जीव पर जितनी श्रद्धा, हर क्षण हर पल मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, उसका एहसास करो। बोलना एहसास करना, जितना एहसास बढ़ जाएगा उतने शिवर, और आगे जब भी मौका मिले, अभी मिथ्या तो टूटा नहीं है, परते बहुत जन्मों जन्मों की भारी है, जब भी आपको मौका मिले शिवर चूकना नहीं। घर में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करते रहना, बाहर जाओगे लोग पूछेंगे क्या किया, सब मिथ्यात्वों का संसार है, फिर आपको भर देंगे। आपने पाठ तो किया ही नहीं, आपने मंगलवाणी पढ़ी नहीं, आपने उपवास किया ही नहीं, बहुत कुछ चारों ओर से लोग नहीं समझ पाएंगे। और आप इस साधना को अच्छी तरह गहराई से समझ लो। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से, और बहुत साधना है, उसको जितना करोगे, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं में, अष्ट गुणों की संपदा लिए हुए हो तुम, तो किसके पास जाना भीख मंगे बन करके, मुझे कोई धन दे दे, मेरा सम्मान कर दे, मेरा चमासा बहुत बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, मेरी केंद्र में स्थापन हो जाए, ये सारा अज्ञान और मोह है। जहाँ जहाँ जाओगे अपने आप रास्ता होती चली जाएगी, और मुनि को साध्वी को कोई जरूरत नहीं, जहाँ जाएंगे व्यवस्था अपने आप हो जाती है। ठीक, सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो।
प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो जायनंग, नमो लोहि सप्सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्म लोगुत्तम चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्राणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि चारे शरण दुख हरण आरण शरण कोई होगा जो भव्य प्राण करे आराध उसका अजर अमर होगा उसका सदा मंगल होगा।